नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स सीखो चैनल पे। दोस्तों, टॉप 100 एमसीक्यू मॉक टेस्ट फॉर बिहार एसआई, यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी जेई, एसएससी, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट में कुछ क्विज के क्वेश्चन होते हैं, इसका सही आंसर देने पर आप पैसा भी कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग टॉप 40 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले 2019 के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या बाकी सारे वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा और डेली का डेली यहाँ पर पीडीएफ और मॉक टेस्ट का पीडीएफ जो आपको मिल जाता है, उपलब्ध करा दिया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए। जरूर लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, आपके लाइक और शेयर के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो कृपया लाइक जरूर कर दें। आपको 1 सेकंड लगते हैं, बस ऊपर हाथ बढ़ा के लाइक बटन को क्लिक कर देना है। तो आई होप आप लोगों ने लाइक किया होगा, लाइक कर दीजिए फटाफट। उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। और रोज़ रात 9 बजे, रोज़ डेली रात 9 बजे लाइव आ जाया करिए। दिन भर खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए, घर में बैठ कर सेल्फ स्टडी करिए, और रोज़ रात 9 बजे लाइव आ जाया करिए, ताकि आपने जितने भी पढ़ाई की है अभी तक सबका रिवीजन हो जाए। रोज़ रात 9 बजे याद रखें, आपको आना है लाइव। और जितने लोग अभी लाइव आ गए हैं, सबके सब आपको टेस्ट नीचे लगाना है और नीचे कमेंट करके आपको आंसर बताना है। रोज़ रात 9 बजे लाइव आ जाया करें। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द ऑथर ऑफ कल्पसूत्र? कल्पसूत्र के लेखक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आपको दिया जाता है 3 सेकंड, आपको नीचे कमेंट करके आंसर देना है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कंदरा पेशबंदनी जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। कंदरा जिसको पेशबंधनी कहते हैं, वो किसको किसको जोड़ता है? चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशी को हड्डी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। निम्नलिखित में से एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? आंसर देने के लिए आपको सिर्फ 3 सेकंड मिलेंगे, और फटाफट आपको नीचे कमेंट करके आंसर देना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनिस को। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मनाया गया। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर को। तो 9 दिसंबर 2018 को मनाया गया, अभी 9 दिसंबर 2019 को मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बिहार दरोगा का हो, उत्तर प्रदेश दरोगा का हो, आरआरबी एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो, हर एग्जाम से पूछा जाता है, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया, और प्लासी के कौन से युद्ध में? 1757 के युद्ध में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। भारत में अहोम विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? अहोम विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम से स्टार्ट हुआ था अहोम विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय तटरक्षक क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए शुभंकर है? राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए शुभंकर कौन है निम्न में से? आपको यह भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय खेल हर 4 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है, तो 2018 में हुआ, अब 2022 में होगा, तो 2022 में इसका जो शुभंकर है वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाउडेड लेपर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9, कनाडा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कनाडा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु, यानी बेंगलोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, अजय ठाकुर किस खेल से जुड़े हुए हैं? अजय ठाकुर किस खेल से जुड़े हुए हैं? फटाफट आपको आंसर करना है। यहाँ पे टॉप 40 एमसीक्यू हम लोग देखेंगे, और इसके पहले ये पार्ट 6 है, इसके पहले हम लोगों ने 5 वीडियो अपलोड किया हुआ है प्रैक्टिस सेट, तो वो आप ज़रूर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो वो ज़रूर देख लें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पर क्वेश्चन बताया हुआ है। तो अजय ठाकुर किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं ऑप्शन नंबर डी, कबड्डी से, ये एक कबड्डी प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 11, सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सोलर सेल, साइंस का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का यूज किया जाता है, सिलिकॉन का यह था सिंबल SI। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? सबसे ज्यादा कपास कहां पे उत्पाद किया जाता है, कहां पे उगाया जाता है? दोस्तों वीडियो का लाइक जरूर कर दें, जितने लोग भी लाइव हैं लाइक जरूर कर दें, एक सेकंड लगता है आपको लाइक करने में, लाइक जरूर कर दें। और जो लोग भी लाइव हैं सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ उनको वीडियो नहीं देखने को, सिर्फ आप कमेंट करें, आंसर करें, ताकि आपको पता चल सके आपकी कमजोरी कहाँ पर है, आप कितने क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास उगाया जाता, कपास यानी कॉटन। जूट की बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक और संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 का करंट का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में किया गया, और कब किया गया? 30 जनवरी 2019 को किया गया। किसने किया? पीएम मोदी ने किया। ये तीन चीज़ आपको याद रखना है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक हो गई? ये भी करंट का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक 5 प्लान हुए हैं, 5 प्लान्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जितना हम लोगों ने सोचा था उससे भी अधिक हो गई, वो कौन से प्लान में हुई है? फर्स्ट 5 प्लान में हुआ, या सेकंड 5 ईयर प्लान में हुआ, या थर्ड या फोर्थ? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही वृद्धि दर से ज़्यादा हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, और इसका राइट आंसर जैसे आप देख सकते हैं, कच्छ प्रायद्वीप पठार किस भारतीय राज्य में स्थित है? कच्छ प्रायद्वीप पठार किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यूनियन टेरिटरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये सबसे बड़ा देश है। और क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, निम्न में से किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी? हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर जुड़े, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको डेली स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे डेली का डेली आपको पीडीएफ और नोट दिया जाता है, ना सिर्फ मॉक टेस्ट बल्कि हर एक जीके और जीएस क्वेश्चन के, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, सारे के सारे नोट्स आपको दिया जाता है। तो ग्रुप से जरूर जुड़े, बहुत ही हेल्प होती है आपकी। तो यहाँ पे हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ पे नन ऑफ द दीज हो जाएगा। तो किसने की थी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था, उनका नाम हो जाएगा मीर कमरुद्दीन खान, मीर कमरुद्दीन खान, इन्होंने हैदराबाद के राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पे राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 18, चलिए यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? बायोलॉजी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईयर यानी कान में। ये देखिए क्या होता है, मध्य कर्ण को अंतःकर्ण से जोड़ता है, मध्य कर्ण को अंतःकर्ण से जोड़ता है।
अच्छा कान की बात करें तो कान से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो होती कान की हड्डी और उसका नाम होता है स्टेपिस। ये भी आपको याद रखना है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, कान की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, संसद भवन किसने डिजाइन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडविन ल्यूटियन, इन्होंने संसद भवन का डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिकल 356 किसके बारे में है? हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? चार ऑप्शन आपके सामने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति शासन के बारे में है ये, प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में है ये, आर्टिकल 356। क्वेश्चन नंबर 21, ऋषभ नाथ किस धर्म के संस्थापक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैनिज्म यानी जैन धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, जहांगीर किसका पुत्र था? वेरी इजी क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जहांगीर किसका पुत्र था? करेक्ट आंसर सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी, अकबर का। क्वेश्चन नंबर 23, CRR का फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CRR का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है CRR, ये जो टर्म है वो किससे संबंधित है, तो ये बैंक से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेपो रेट, REPO, रेपो रेट, यह किससे संबंधित है, तो यह भी बैंक से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, सभी को आंसर देना है और रोज रात 9 बजे लाइव आ जाना है। दिन भर पढ़ाई करिए, रात को टेस्ट लगाइए, आपकी तैयारी बखूबी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रायोमीटर। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो मैंने कल के वीडियो में बताया था, वीडियो जरूर आप लोग देख लें, पार्ट 1 टू 5 अपलोड कर दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको, और ये पार्ट 6 है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है, इसका फेदोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है, यानी स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, किस मच्छर के कारण? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एनाफिलीज, एनाफिलीज मच्छर के कारण जो है मलेरिया फैलती है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनाफिलीज मच्छर के कारण। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किसे लंबे बाल वाला सितारा बुलाया जाता है? ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, लंबे बाल बाल वाला सितारा बुलाया जाता है इनमें से किसे? राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, कॉमेट। देखेंगे जो आकाश में क्या होता है ना, एक गोला होता है और पीछे उसके पूंछ टाइप्स के निकले होते हैं, तो इसलिए उसे बोलते हैं लंबे बाल वाला सितारा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक रशेल बेकर का उनके घर पर निधन हो गया था, वह कहाँ से थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि रशेल बेकर एक पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे और वह एक जर्नलिस्ट थे, लेखक थे, इतना पता होना चाहिए आपको। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कहाँ से थे, रशेल बेकर कहाँ के थे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, USA, अमेरिका के थे। अभी अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, इतना आपको पता होना चाहिए। अमेरिकी मुद्रा क्या है? तो US डॉलर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पार्लियामेंट, संसद। यानी संसद चाहे तो कुछ लोगों की सहमति से वो क्या कर सकता है, सभी राज्यों का नाम परिवर्तित कर सकता है। और अभी हाल ही में बहुत सारे 2019 में और 2018 के लास्ट से लेकर 2019 तक बहुत सारे नाम जो है चेंज किए गए हैं राज्यों के, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, बदले गए शहरों के नाम, ये वीडियो है, बहुत लोगों ने उसे देखा भी था, करीबन करीबन 3 लाख लोगों ने देखा था उसे, तो आप भी जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, निम्नलिखित नदियों में से किसे अर्धगंगा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्धगंगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह यानी प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, ग्रेट बैरियर रीफ डैश की एक उल्लेखनीय विशेषता है, तो ये कहां से बिलोंग करता है, ग्रेट बैरियर रीफ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अभी भी देख रहा हूं मैंने कि 15 लाइक्स ही हुए अभी तक, और हम लोगों ने टारगेट रखा है 200 लाइक का, तो प्लीज 200 लाइक तक पहुंचा दें, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिकंदराबाद। देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड ही मिलेगा, इससे ज्यादा आपको वैसे भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में मिलते नहीं है, तो सिकंदराबाद ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको फटाफट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, प्रवणता के संकेंद्रण के विरुद्ध कोशिका का संचालन क्या कहलाता है? यानी मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड, फटाफट आपको आंसर करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफ्यूजन यानी प्रसार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोगों का आंसर गलत हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 1789 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, एलोसोम क्या होते हैं? बायोलॉजी से क्वेश्चन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़े होते हैं यानी 46 होते हैं, और मेल क्रोमोसोम का क्या होता है, तो वो होता है XY, और फीमेल का क्या होता है, XX होता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट 2019 किसने प्रस्तुत किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट किसने प्रस्तुत किया? सबको सही आंसर दे रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का पहला सरकारी विकलांगता खेल केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें ये पार्ट 6 है, उसके अंदर ये क्वेश्चन रिपीट किया गया 2 बार, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला सरकारी विकलांगता खेल केंद्र कहां पर स्थित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 38, शकुनधारी जंगलों में पेड़ों का आकार कैसा होता है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंकुआकार, शंकुधारी से शंकुआकार ऐसे याद रख सकते हैं, कॉनिकल शेप होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्जीक्यूटिंग कहते हैं, किसी भी कमांड को हम लोग प्रोसेस करते हैं यानी उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन है,
फादर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवी मावलंकर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको बताना है कमेंट करके। टॉप 40 एमसीक्यू था आज के लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये पार्ट 6 है। हर वीडियो में मैंने टोटल 40 बताए हैं, तो अभी तक टोटल 240 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं। इसके अलावा बिहार दरोगा का हम लोगों ने 9 मॉक टेस्ट अपलोड किए थे, तो वह भी अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करिए, या फिर सबसे अच्छा होगा कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं। प्लेलिस्ट में आप देखिएगा बिहार एसआई और यूपीएसआई के लिए बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, जीके जीएस करंट अफेयर्स मैथमेटिक्स के वीडियो बने हुए हैं, तो आप लोग जरूर जाके देख लें। वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर जरूर किया करें, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर पाएँ और हमें भी उसका मौका दें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, 200 लाइक का टारगेट हमने रखा है। अगर वीडियो पर 200 लाइक्स आ जाते हैं तो इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा और डेली का डेली वीडियोस अपलोड किया जाएगा। रोज़ पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा के दिल लगा पढ़ाई करें, दिन भर पढ़ाई करें, और रोज़ रात 9 बजे आप लाइव आ जाए करें, ताकि आप टेस्ट लगा पाएँ। तो ना टाइम जो है आपको नोट कर लेना है, रोज़ रात 9 बजे लाइव आना है। अगर आपको इसका PDF चाहिए या बिहार दरोगा के लिए किसी भी एग्जाम्स की PDF चाहिए, तो नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।